हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का आंसर के कैसे आपको चेक करना है। दोस्तों, इसका प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने अपना आंसर के अभी तक चेक नहीं किया तो आप अपना आंसर के चेक कर सकते हैं। कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों मैं आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। देखिए, मैं फिलहाल इस नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ कि ये आंसर के जो कब तक अवेलेबल रहेगा। दोस्तों देखिए, ये हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है, इसका एक लिमिटेड टाइम रहता है। उसी टाइम के अंदर आपको अपना आंसर के चेक करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आपका क्वेश्चन आंसर लेके, तो पर क्वेश्चन 100 करके लगेगा। आप इसको सबमिट कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। तो इसके लिए ये प्रोसेस भी दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है 18/2023 5 PM, दोस्तों 18 तारीख से उसका आंसर के अवेलेबल है और 25 तारीख तक वो अवेलेबल रहेगा। 25 तारीख 5 शाम को 5 बजे तक अवेलेबल रहेगा। इस टाइम के अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो ठीक है, आप अपना आंसर के डाउनलोड करके रख लीजिए और डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें नीचे लिंक दिया हुआ है, मैं इस लिंक को डायरेक्टली दे दूंगा, आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। इस लिंक को ओपन करने के बाद देखिए ओपन होगा। अभी फिलहाल सर्वर डाउन है दोस्तों। इसमें एक बात कि एसएससी में मैक्सिमम टाइम सर्वर डाउन रहता है, इसके कारण एसएससी में हर टाइम एक ना एक अप्लाई चलता ही रहता है। कुछ दिन पहले जैसे कि अभी फिलहाल एमटीएस चल रहा है, एमटीएस का लास्ट डेट आ गया, इसलिए बहुत प्रेशर है वेबसाइट में, इसलिए वो डाउन है। अभी सीजीएल भी स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू एक के बाद एक काम चलता रहता है, इसलिए ये सर्वर मैक्सिमम टाइम डाउन रहता है। तो इसको चेक करने के लिए आपको मैक्सिमम मैं रिकमेंड करता हूँ कि रात को चेक कीजिए। रात को ज़्यादा लेट होगा तो अच्छा है, जितना लेट होगा उतना फास्ट होगा वेबसाइट। तो देखिए, अभी बहुत स्लो चल रहा है, तो कुछ टाइम वेट कर लेते हैं जब तक नहीं आता है। देखिए दोस्तों, ये आ गया है। तो अभी आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे देखिए, जो कांस्टेबल जीडी सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आपको सीधा यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद देखिए क्या आता है। तो दोस्तों देखिए, अभी आ गया नेक्स्ट। आपको यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन अबाउट द आंसर के मे बी सबमिटेड थ्रू दिस सिस्टम ओनली क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर में क्लिक करना है। देखिए, जब भी आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा लॉगिन करने के लिए। तो इसमें आपका रोल नंबर देना है, रोल नंबर और पासवर्ड देना है। देखिए, रोल नंबर कौन सा देना है, रोल नंबर आपका जो एडमिट कार्ड होगा एसएससी जीडी का, जो एडमिट कार्ड है उसी एडमिट कार्ड में लिखा होगा आपका रोल नंबर, और पासवर्ड भी उसी एडमिट कार्ड में लिखा होगा। देखिए, एज़ पर एडमिशन सर्टिफिकेट यानी कि एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा होगा, आपका पासवर्ड भी लिखा होगा। आप अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड से देख के यूज़र आईडी एंड पासवर्ड लिख के इसको लॉगिन कर लीजिए। देखिए, मैं आपको लॉगिन करके दिखा दूंगा एक। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक रोल नंबर और पासवर्ड डाला, तो इसको अभी लॉगिन करता हूँ। देखिए, जब भी लॉगिन में क्लिक किया तो इसका जो डैशबोर्ड है अभी आ जाएगा सामने। देखिए, ये डैशबोर्ड सामने आ गया, तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे लाइए और इसको क्लोज कर दीजिए। हाँ, क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर के। तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर में क्लिक करना है। जब भी आप हेयर में क्लिक करेंगे तो आपका जो आंसर के आपको सामने आ जाएगा। देखिए, ये डाउनलोड हो रहा है आंसर के, ये सामने आ गया। तो आप इसको डाउनलोड करके या फिर प्रिंट करके रख सकते हैं। तो ऐसा आप अपना आंसर के निकल सकते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपको रेज करना है, तो आपको रेज ऑब्जेक्शन में क्लिक करना है। रेज ऑब्जेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीधा क्लिक हेयर पे, हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन, इसमें भी क्लिक करना है। हाँ, इसमें अभी फिलहाल एरर दिखा रहा है। हाँ, तो अभी आंसर के कैसे आपको चेक करना है ये आपको मिल जाए। अगर आपको रेज ऑब्जेक्शन करना है तो आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए, तो आपको हो सकता है अगर आपको करना है तो। अगर नहीं करना है तो आपको इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर के आपको चेक करना है और उसको रख लेना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये नोटिस चला जाए और खुद अपना आंसर के चेक कर पाएँ। एंड दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर के बेल आइकन का भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा नया वीडियो बनाऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू।